नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरके निशा, स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के अरियारी नामक गांव में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवानी कुमारी जी के घर पर मौजूद हैं। आमतौर पर आप लोग उनको उनके ब्लॉग में देखते थे और उनके घर का नज़ारा, उनके परिवार का नज़ारा, उनके घर वालों का पूरा नज़ारा जो होता था शिवानी जी के ब्लॉग में आप देखा करते थे। शिवानी जी घर पर मौजूद नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि शिवानी जी का चयन बिग बॉस OTT सीजन 3 में हो गया है और अभी वो बिग बॉस के घर पर है। दोस्तों बता दें कि शिवानी जी का चयन हो जाता है और शिवानी जी बिग बॉस के घर पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद शिवानी जी को नॉमिनेट कर दिया जाता है, जिसमें कि शिवानी जी के साथ नीरज भी सम्मिलित होते हैं। उसके बाद होता क्या है कि वोटिंग होती है, कि वोटिंग के आधार पर क्या शिवानी सुरक्षित रहेगी या फिर नीरज सुरक्षित रहेंगे या फिर इन दोनों में से कौन बिग बॉस के घर से बाहर होगा। वैसे तो आप लोगों ने देखा कि 25 जून को वोटिंग थी, लास्ट वोटिंग 25 जून को वोटिंग थी, तो 25 जून को दमदार वोटिंग पड़ी। अब ये एक संशय का विषय था कि वोट किसको ज़्यादा मिले, नीरज को या फिर शिवानी को। फिर उसके बाद बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट रह रहे थे, जब उनका ओपिनियन लिया गया तो ज़्यादातर ओपिनियन शिवानी जी के खिलाफ आए, यानी कि शिवानी को शो से बाहर किया जाए, नीरज को घर पर रखा जाए। लेकिन उसके बाद एक कहावत है ना, थोथा चना बाजे घना, कि जनता का प्यार किसी से छीना नहीं जा सकता। और जब पब्लिक वोट की काउंटिंग होती है, उसमें शिवानी नीरज को पीछे करते हुए एक बार फिर से बिग बॉस के घर में वापसी करती हैं और बिग बॉस के घर में आज भी वो मौजूद है। तो आज हम शिवानी जी के घर पर मौजूद है। दोस्तों शिवानी जी के पूरे परिवार से मिलाएंगे, उनका घर भी दिखाएंगे, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब लोगों से मिलाने का काम करेंगे। इससे पहले कि हम घर के अंदर प्रवेश करें, एक बार अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा आप घर दिखा दीजिए। आप लोगों ने शिवानी जी के ब्लॉग में कई बार आप लोगों ने देखा होगा यह मकान, जिसमें शिवानी जी अपना ब्लॉग बनाती हैं। और ये उनका छत है, ये उनके गांव का नज़ारा है, गांव की गलियां हैं। थोड़ा सा एक बार दिखाने का काम करें, या वही गांव की गलियां हैं जहां पर शिवानी जी ब्लॉग बनाया। आइए चलते हैं अंदर। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पूरा का पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। एक बार तो शिवानी को आप लोगों ने बचा लिया, और जिन जिन लोगों ने शिवानी जी को बचाया है उनका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह आप लोग गांव की सरजमी से जुड़ी हुई उस बेटी को यूं ही आप लोग बचा कर रखेंगे। इधर से परिचय करवाते हुए चलेंगे, सबसे पहले परिचय करवा दें आपका, आप शिवानी जी के कौन हैं? भैया हैं। चलिए ठीक है, आगे आए आप। जीजा जी सबसे बड़े जीजा जी। आप लोगों ने शिवानी जी के ब्लॉग में कई बार देखा होगा कि जीजा जी ज़्यादातर शिवानी जी के ब्लॉग में आते हैं, क्योंकि आप ही यहीं रहते हैं, है ना, और काफ़ी लाड़ प्यार जो है शिवानी जी को ये देते हैं। शिवानी जी कभी थोड़ा थोड़ा हल्का नोक झोंक भी हो जाती है। नहीं अच्छा नहीं होती। चलिए ठीक है, क्या कुछ कहेंगे शिवानी जी के लिए? यही कहेंगे जैसा आप लोग सपोर्ट बनाए हैं वैसे ही बनाए रखें। हाँ। और उन्हें जिता के लाएं जी, और सब बाकी सब बढ़िया है। कहीं ना कहीं शिवानी के सम्मान में पूरे देश की बहन बेटियों का सम्मान जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जो हमारे देहाती भाई हैं, बहन बेटियों को सबका सम्मान जुड़ा हुआ है जी। और जय सपोर्ट बहुत बढ़िया किया है और अच्छा ऐसे ही करते रहें जी, हमारी हाथ जोड़ प्रार्थना है। अरे चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सब लोगों से परिचय करवाएंगे। और दोस्तों बता दें कि एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पहली बार एक झटका दिया गया है और गांव से चलकर मुंबई तक का सफर तय करने वाली वो बेटी एक बार रोई है, लेकिन दोबारा उसको रोने मत दीजिएगा। क्योंकि मैं खुलकर बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, पत्रकार हूँ, तो कहीं ना कहीं शिवानी मेरे परिवार का हिस्सा है और हम उसके परिवार हैं। तो हम तो नहीं चाहेंगे भाई कि हमारी बहन वहाँ से बाहर होकर निकले, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो
जीत कर वहां से आए ताकि हमारा भी नाम रोशन हो, साथ ही उन तमाम बहन बेटियों का नाम रोशन होगा जो आमतौर पर सिर्फ घरों तक सिमट कर रह गई हैं। शिवानी उनको उनका हक, अधिकार और आज़ादी दिलाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूरे चेहरे दिखाइए आप, सब लोगों को पहचानिए, पहले देखते हैं कौन कौन पहचान पाता है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करके थोड़ा सा कमेंट करवाइए, दर्शकों से कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कौन पहचान पाता है सबसे पहले। चलिए ठीक है, ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। ये है मम्मी जी, ठीक है, ये मम्मी जी हैं शिवानी जी की मम्मी जी, और यही वो मम्मी है शिवानी जी की जिनको शिवानी जी ने नाम दिया है अमरीश पुरी। क्यों मम्मी, क्यों नाम दिया? डेंजर है। वेरी इंटरेस्टिंग कहानी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पहले हम परिचय करवा देते हैं फिर उसके बाद विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। शिवानी बहन से बड़ी बहन यानी मझली दीदी जी हैं। दीदी जी नाम बता दीजिए। बीना जी, बीना देवी। आप कब आती हैं ब्लॉग में? जब यहाँ आते हैं तभी आती हैं। चलिए ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो दो महान मूर्ति है वो यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए। शिवानी की एक माँ नहीं, यानी कि जितनी उनकी बड़ी बहन है वो सब उनकी माँ है, और अपने बच्चे की तरह परवरिश करने वाली ये बहन है। दीदी हाँ, नमस्ते। नमस्ते, नाम बता दीजिए दर्शकों को। सुमन देवी। सुमन दीदी, वैसे हम तो जानते थे लेकिन हम आपके मुंह से दर्शकों को सुनाना चाहते थे। अब आगे बढ़ेंगे, इधर देखिए गोरे लाल भैया। चलिए ठीक है, मैंने बता दिया, लेकिन वैसे भी आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे, तमाम देखते होंगे। यही वो महान मूर्ति है जिन्होंने इतना संघर्ष किया उस बहन के पीछे कि रातों की नींद और दिन का सुकून अपना खो दिया। और जैसे ही शिवानी जी का जो है नाम आता है बिग बॉस में और उनको सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद से फिर ये हो सकता है कि चलते चलते खाए पिए हों। तो सबसे जो अहम योगदान है वो इनका है, यानी कि अब हम नहीं बताएंगे, भैया से पूछ रहे। भैया बता दीजिए। मेरा नाम गोरेलाल है। ये गोरेलाल भैया हैं, और पहले ही हमने नाम ले लिया था क्योंकि हम तो जानते ही हैं गोरेलाल भैया हैं। और एक और बड़ी महान विभूति हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है यहाँ पर, और शायद वो कानपुर हैं। अभिषेक से बराबर समय दिया और उस बेटी को गांव की सरजमी से उठाकर उसके उस मंजिल तक पहुँचाया जिस मंजिल तक जाने का वो सपना देखा करती थी। कहीं ना कहीं बिग बॉस शिवानी के सपनों जैसा था। बताया था ना एक बार? हाँ बिल्कुल, सपनों जैसे। मेरे सपने में आए थे सलमान खान। हाँ है ना, बिल्कुल। हाँ कहती थी गोरेलाल भैया। हाँ सपना में यही मतलब कहती रहती, सपने में सलमान खान आए हैं और सलमान खान सर हमें बुला रहे हैं। उसका सपना ये भी था कि हमें बिग बॉस में जाना है। क्या दीदी सही है? हाँ सही है। चलिए ठीक है, अब हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और एक एक करके हम सब लोगों से बातचीत करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो माता जी से ही शुरू करते हैं और फिर उसके बाद दीदी जी पर आएंगे। कैसे आ जाएं? चलिए अब बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और पूरी कहानी उस बहादुर बेटी की आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। मम्मी अभी तक तो हमने परिचय कराया, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका दर्शक न्यूज 24 में। सबसे पहले आप ये बताएं कैसी हैं आप? ठीक है। तबीयत तो भी ठीक रहती है? ठीक है, क्योंकि शिवानी बहन ने कई वीडियो में आपकी तबीयत को लेकर चर्चा की और जैसा कि हम लोग निरंतर, हम क्या पूरा भारत ही देख रहा है उस बिटिया को, है ना, और निरंतर इलाज को लेकर आपको जो है इधर से उधर बेचारी भटकती रही। क्या लग रहा है, तकलीफ हो रहा है अभी है नहीं? हाँ तकलीफ तो होता ही है, कुछ याद आ रही है को? बिल्कुल याद। हाँ याद तो आता ही है। अच्छा मम्मी आप ये बताएं शिवानी बहन ने आपको अमरीश पुरी नाम क्यों दिया? अब अमरीश पुरी लड़कन को चिल्लाता है। हाँ। हाँ, लड़का उदम कर तो नहीं चिल्ला, इन्हें सुबह चिल्ला तो ने अमरीश पुरी दे दो, कुत्ता बिलैन को चिल्ला। हाँ चलिए ठीक है, सवाल पर सवाल हम करेंगे, बड़ी बेबाकी से उनका जवाब दीजिएगा। एक समय वो था यानी कि एक दौर वो था जब वो बेटी फोन में वीडियो बनाती थी तो उन्होंने अपने दर्द बयां किए कि आप उनका फोन छीन लेती थी, मारती थी, डांटती थी, लोग बाग आपसे शिकायत करते थे, लोग बाग ताना मारते थे,
तब ये सारी परिस्थितियाँ उन दिनों देखने को मिली थी। फिर उसके बाद वो बेटी नहीं मानी और ऐसी ऐसी तमाम जो दुर्गा माँ है उनका सपोर्ट मिला और बेटी बढ़ती चली गई। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अगर आप जिस तरह से डांट रही थी, मना कर रही थी और इतना कुछ ना हुआ होता तो डांटते ही रहते डांटते ही रहते बिल्कुल। उसके अलावा कुछ मिलता? उसके अलावा मिलता का ताना मारा था कि काय बनाए ली वीडियो टिकटॉक को बंद हो गया, तमाम हमने ताने मारे बन गई वीडियो, हो गई वायरल फलाना ढिकाना। अच्छा, अब मम्मी जो बिटिया है जो काम करना चाहती हैं शिवानी की तरह, कभी सोशल मीडिया पर काम, घर वाले नहीं बनाने देते हैं, ऐसे ही लोग हैं बहुत सारे लोग जैसे शिवानी झेली है, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? इजाजत दे रही हैं? बिल्कुल, उनके लिए इजाजत दे रही है कि यहाँ बेटी बहुत आगे है और कहना बेटी को सपोर्ट करें और ऐसे ही सम्मान को ध्यान में रखें। हाँ, चलिए ठीक है। अब आप ये बताएं कि एक बार तो शिवानी बच गई शुरुआती दौर में ही, जनता ने अथाह प्यार दिया, अथाह दुलार दिया, अब क्या कहना चाहेंगी कि दोबारा अगर ऐसी परिस्थिति आए तो वो पब्लिक, वो ऑडियंस जिनको शिवानी ने भगवान कहा है, तुमको कैसा प्रदर्शन करना चाहिए? उनको प्रदर्शन ऐसे ही कहना चाहिए, हाँ, कि हमें बहुत अच्छा लगा उनको। इतना वोट दो कि मोबाइल हैंग करने लगे। हैंग करने लगे। है ना? बिल्कुल, हल्का मचा दे। हाँ, एक सबक होगी, एक सीख होगी समाज के लिए। दोस्तों बता दे कि शिवानी सिर्फ औरैया जनपद ही नहीं, औरैया जनपद का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि वो यहाँ जन्मी और यहाँ पली बड़ी बेटी है। आज शिवानी सिर्फ औरैया ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की बेटी बन चुकी है। एक ऐसी बेटी जिसने तमाम संघर्षों का सामना करते हुए और वो मुकाम हासिल किया है जिस मुकाम को हासिल करने के लिए लोग पूरा का पूरा उम्र खो देते हैं, लेकिन एक चंद समय में वो बिटिया कुछ ऐसा कर दिखाई जिससे कि पूरे परिवार का, पूरे नात रिश्तेदार का, पूरे गांव जोहार का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का नाम रोशन हो रहा है। तो उस बिटिया को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब गोरेलाल भैया से बातचीत कर लेते हैं, फिर इसके बाद दीदी आप पर आते हैं। ये है सुपरस्टार गोरेलाल भैया। गोरेलाल भैया सुपरस्टार। देखिए क्या मम्मी, ये बताओ कि जो मंजिल तक पहुंचा दे उसको सुपरस्टार नहीं कहेंगे? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, रात की नींद खोई है इन्होंने। हाँ, रात दिन जानो ना ही है। दिन का सुकून खो दिया। हाँ, तो सुपरस्टार तो आई है। चलिए ठीक है। तो गोरेलाल भैया ये बताइए, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा मेरा स्टार है अभिषेक भाई। क्योंकि आज ये दिन जो भी है अभिषेक की है बिग बॉस तक पहुँचाने की, हमारा तो सपोर्ट ये रहा वीडियो बनाओ वायरल होगा। हाँ, ये मेरा सपोर्ट था, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में हमने सपोर्ट दिया क्योंकि बुआ जी ने उस पर विरोध नहीं रखी थी। हाँ, उन्होंने बुआ जी ने विरोध किया, उस पर मैंने सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद आज शिवानी यहाँ तक पहुँच गई है, तो इसमें हाथ ये सब अभिषेक भाई का है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या है अपील लोगों से? अपील ये है 10 करोड़ से कि हमारी शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर वोट की ज़रूरत पड़े, जब भी ज़रूरत पड़े वोट करिएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे देश का नाम हो, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम हो, हमारे गांव का नाम हो, हमारे ज़िले का नाम हो। गरीब घर की लड़की छोटे से गांव की, गांव से मुंबई तक पहुंची है, तो उसको जिता के ले आइएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। पहली बार में तो भरोसा हो गया कि नहीं? हाँ, पहली बार में भरोसा हो गया। अब तो मतलब ये है कि जीत के ही आएगी, पहली बार में भरोसा हो गया। अब देखिए एक बहुत ही मशहूर चेहरा हमारे साथ है, दीदी को बावर्ची का नाम दे दे, क्या दीदी? है ना दीदी? ये वही सुमन दीदी हैं जिन्होंने शिवानी के लिए तमाम संघर्ष किए, और अभी बीच में एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जब शिवानी थोड़ा सा गुस्सा, क्योंकि बच्ची है अभी, उसकी उम्र क्या है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार ना कि कम उम्र में गांव क्षेत्र से निकल कर एक बिटिया ने ऐसा इतिहास रचा कि आज उसका पूरा देश दीवाना है जब वो रूठ कर चली जाती अपने नए वाले घर पे। अब हम नहीं आएंगे यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे तो मनाने कौन जाता है? किसी का कहना माने या ना माने, अगर दीदी पहुँच गए तो फिर मानना ही मानना है। दीदी कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
खुशी हो रही है। कभी आपने सोचा था सपनों में कि इतना कुछ होता? नहीं, हमने नहीं सोचा तो। एक भाई से बढ़कर जो योगदान उस बहन ने निभाया है तो कहीं ना कहीं एक मिसाल है देश के लिए। इतने तो भाई यूं नहीं करते। आज दीदी एक बहुत बड़ा सवाल है, लोग बाग हमेशा से बेटियों को कम आंकते हैं, बेटियों कहते हैं ना किसी घर बेटी हो जाए तो लोग बाग कहते हैं अरे कहाँ से हो गई, है ना, तो मन अंदर से द्रवित हो जाता है। आज एक बेटी ने ऐसा इतिहास रचा कि पूरा देश उसका दीवाना, सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और लोग बाग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या है? तो क्या कुछ कहेंगी आप बहन बेटियों को लेकर स्पेशली? इनके लाना यही कहेंगे कि क्या नाम, जैसी मेरी शिवानी आगे बढ़ी तैसे ही वे लोग आगे बढ़े। याद आ रही? कौन खाना मांग रहा आप? जब शिवानी आती है तब मन तो कहूँ तो आती तो फोन कर देती, मठा के आलू और कढ़ी दो ही चीज है, मैं तो एक चीज। अब चलिए ठीक है, मछली दीदी आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, शाम का खाना वो खा लेती है, सुबह हम भी खाते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं कि बहन, आपकी छोटी बहन इतनी आगे बढ़ गई? हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि शिवानी बिग बॉस तक गई है और जीत गई है। हाँ, लोगों से क्या अपील करेंगी, दर्शकों से जिन्होंने पहली बार शिवानी जी को सेफ रखा? पहली बार सेफ रखा उनसे तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा किया उन्होंने कि शिवानी जी को सेफ रखा, और आगे भी जब जरूरत पड़े तो इसी तरह मदद करें, इसी तरह मदद करें, उससे भी ज्यादा मदद करें, भी ज्यादा मदद करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दीदी देखा जाए तो अब शिवानी से ही बहुत सारी जो बहन बेटियां हैं उनका सम्मान जुड़ गया, जुड़ गया है उनका, उनका सम्मान भी मिल गया है, सम्मान भी मिल गया है। क्योंकि अब लोगों की गोरेलाल भैया कहीं ना कहीं आप ये महसूस कर रहे हैं ना कि शिवानी की वजह से जो बहुत सारी बहन बेटियां हैं जो गांव क्षेत्र से बिलोंग करती, क्योंकि गांव में आज भी वो विडंबना है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा आपने कि बहन बेटी अगर कहीं अकेले निकल गई, किसी के साथ निकल गई, वैसे भी वो दुकान भी चले गए तो लोग बाग तरह तरह के ताने मारने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन एक बिटिया ने ऐसा इतिहास रच दिया तो अब समाज को एक सीख लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं बहन और बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई। हाँ, मिसाल बन गई, यही बात बिल्कुल सही कही आपने, है ना। हाँ, क्योंकि अब बेटियां जो है बेटों से कम नहीं है, है ना। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिलें मिली जाती है और मंजिलें कदम चूमती हैं, और वो कर दिखाया शिवानी ने। चलिए अब थोड़ा सा कुछ हाल माहौल दिखाएंगे, कुछ एक्टिविटी दिखाएंगे, आप शायद, आपको भी हमने देखा है ब्लॉग में। आइए सोनम जी से मिलाते हैं, इनको भी आपने शिवानी जी के कई ब्लॉग में देखा होगा, क्या कुछ कहेंगे? ये कहेंगे शिवानी दीदी इतनी बड़ी है तो जीते ही कहा है और अच्छी है, ऐसा बात कहो सका। अच्छा, ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। जाने का गम है कि रोज सामने रहती थी। एक बार ये है कि जीत के आएगी तो और अच्छी बात है। हाँ। अब लगा तो आई कि नहीं अच्छा लगा था। लोगों से क्या अपील करेंगी, क्या कहेंगी लोगों से कि शिवानी जी को वोट करें, सपोर्ट करें? सपोर्ट करें और का वोट से ज्यादा वोट करें शिवानी दीदी को, और का यही कहेंगे। ये तो थोड़ी सी एक्टिविटी दिखा देते हैं, सुमन दीदी के साथ चलेंगे। सुमन दीदी थोड़ा सा वो जगह दिखा दीजिए जो जहाँ जहाँ शिवानी ज़्यादातर मतलब एक्टिविटी करती हैं। पहली बात तो छत है ना, छत है, छत पे जाया करती हैं, खाना वाना जहाँ उनका रूम वगैरह ये सब चीज़ें, रूम तो उनको वो है। आइए आ जाइए, चलिए अब सुमन दीदी दिखा रही हैं शिवानी जी के वो सारे आसियाने, हम दिखाने का काम करेंगे। ये शिवानी जी का कमरा है स्पेशल। अच्छा ये बताइए, यहीं पर गुस्सा हुआ करती है ना कि हमारे कमरे में कोई ना आए? आप थोड़ा सा यहाँ से दिखा दीजिए यहीं से। अच्छा ये भांजी है, ये भतीजी है? हमसे जो छोटी है। अच्छा बहन की, बेटा क्या नाम है आपका, आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ क्या नाम है बिटिया? दिव्या। बेटा क्या कहेंगी? अच्छा मौसी है ना शिवानी, तो मौसी के लिए क्या कुछ कहेंगी? आपको देखा मैंने कई ब्लॉग में, क्या कहेंगी? मैं क्या बोलूं मैं। अच्छा और दीदी ये तो चलिए ठीक है, यहाँ से आ जाइए थोड़ा सा दिखा दीजिए। और एक उस बिटिया से मिला दीजिए जिसका नाम भुट्टो है, क्या नाम है?
भुट्टो, हाँ कहाँ है, इधर आओ, कहाँ, ये है शिवानी की, क्या गुट्टो, क्या नाम है बेटा बताओ? मानसी। मानसी, और मौसी कैसे बुलाती है आपको, कैसे बुलाती, क्या नाम लेके बुलाती है? गुट्टो। प्यार से लेती है ना नाम, चलिए ठीक है। तो कुल मिला के ये है उनका पूरा हाल और ये है उनका घर। और दीदी याद भी करें, याद आ रही है दीदी? हाँ बहुत याद आ रही है। हाँ अच्छा, जब शो देखती हैं टीवी में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा टीवी में, जैसे एक सब लोग इकट्ठा बैठ के देखते हैं। क्या मम्मी? हाँ, सब लोग इकट्ठा बैठ के देखते हैं, सब लोग इकट्ठा वहाँ बड़ी टीवी लगाए ले दरवाजे पर, दरवाजे पर, और वहीं से सब लोग गांव टोला मोहल्ला के इकट्ठे होकर बैठते हैं और सब देखते हैं। रखी है, हाँ चलिए चलिए चलिए, आ जाइए आ जाइए, इधर इधर आए इधर आए। देखिए जहाँ जिस टीवी में शो चलता है, आ जाइए, वो टीवी दिखाते हैं जहाँ पर जो है पूरा शो चलता है और भीड़ लग जाती है उस बेटी को देखने के लिए, कि गांव क्षेत्र से चलकर शहर पहुँची, यानी कि माया नगरी मुंबई पहुँची एक बिटिया। और अब जो है, आ जाइए ऐसे, आ जाइए अच्छा, ये देखिए, और ये टीवी नहीं है तो टीवा है। ये टीवा है, इतना बड़ा, यानी कि ये कितने कितने इंच की होगी, ये देख रहे हैं, पूरा गांव बैठ कर देखे थे दोस्तों, ये देख लीजिए इतना बड़ा पर्दा है दीदी, ये तो पूरा का पूरा एक प्रकार से कहा जाए तो वो है थिएटर है, है ना, यानी पिक्चर हॉल। और अच्छा दीदी, दीदी खुशी हो रही, कभी क्या महसूस करती हैं कि जिस तरह से बहनी है इस आप लोगों का सम्मान बढ़ाई और इस मुकाम तक पहुंचा दी, तो कभी महसूस होता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा लगा था कि कौन हूँ दे, हम आप लोगों का तो नहीं जानते, हाँ शिवानी की वजह से आप लोगों का जानो। बिल्कुल दीदी, ये कहना चाहती हैं कि आज उसी की वजह से हम आप सबको जानते, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला, दीदी यहाँ औरैया की रहने वाली, कहाँ जानती हैं हमें, क्योंकि मीडिया वाले कैसे होते हैं, अखबार छपत हैं, हाँ? उनमें कैसे खबरें आती हैं, या अच्छा? जानते ही नहीं थे। आज दीदी जब तमाम पत्रकार चलकर आ रहे हैं, अखबारों में खबरें निकल रही है, हम जैसे पत्रकार आ रहे हैं, हाँ? तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक सपना पूरा। हाँ चलिए दोस्तों, ये था जी दीदी, कहा ना आप सर्दी आ रही है, अब ऊपर ही खाना बनोगे, चूल्हो उनको रखो है, ऊपर चूल्हा रखा है शिवानी जी का। तो एक हमारे जो है मित्र हैं, ये जो है हमें गाइड करते हुए यहाँ तक लेकर आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिवानी जी का सपोर्ट करें, दिल खोल के सपोर्ट करें, और ये मान के चलिए ये अपने भारत देश की एक आन बान शान है, पहचान है शिवानी जी, उन लड़कियों के लिए पहचान है जो लोग बोलते हैं, और कई लोग अभी यूट्यूब पर जो है कमेंट कर रहे हैं गलत गलत तरीके से, जैसे कई यूट्यूबर हैं जो बहुत गंदे कमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए बताना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि शिवानी जी ही जीत के आएंगी बिग बॉस, तो आप लोग थोड़ा संभल जाइएगा, गंदे कमेंट मत करिए। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जाग जाओ यूपी वालों, भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उसी उत्तर प्रदेश की बेटी है शिवानी, और अगर शिवानी हार कर आए तो लाना था यूपी वालों, सबसे ज़्यादा तो बड़ी आबादी है कि 20-25 मुंबई के बराबर तो आपका उत्तर प्रदेश है, जिता दीजिए उस बेटी को, और बता दीजिए एक बार कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ आबादी ही ज़्यादा नहीं है, दिलेर लोग भी रहते हैं जो अपनी बहन बेटी को मुंबई की माया नगरी से जिता कर पुनः उत्तर प्रदेश लाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।